हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विथ अभिषेक में। इस पर्टिकुलर वीडियो में फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट एआरओ की पूरी फुल एनालिसिस। आपके ए टू जेड जो भी क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में है, उन सारे कमेंट बॉक्स के जो क्वेश्चन हैं उनको मैं इस पे पूरे वीडियो में डिस्कस करूंगा। पूरी जॉब प्रोफाइल से लेके सब कुछ इसमें, टाइपिंग टेस्ट, आपके ट्रिपल सी, सब कुछ मैंने डिस्कस किया है। तो पूरी वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और ट्यूबवेल ऑपरेटर वालों का भी काफ़ी सारे मैसेज आया कि 9 से 11 के बीच में उनको जो नया लिस्ट आई थी उनकी डीबी हो चुकी है, तो आगे की अपडेट क्या है वो लास्ट के 1 या 2 मिनट के बीच में मैं उसको भी डिस्कस करूंगा। लेकिन ये पूरा वीडियो आपका डेडिकेटेड रहेगा इलाहाबाद हाई कोर्ट एआरओ के, जो एक बहुत ही बेहतर जॉब है। तो चलिए फ्रेंड वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड उसके पहले अगर आप एक नए व्यूअर्स हमारे चैनल पे, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि ऐसे ही पूरी लेटेस्ट वीडियो और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। साथ ही साथ जो भी क्रैश कोर्स चलाए जाते हैं वो आपको मिलते रहे। फ्रेंड्स अगर किसी भी वीडियो की पर्टिकुलर PDF, करंट अफेयर, सब कुछ सारे डिटेल्स चाहिए होती है, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमारे कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो फ्रेंड यहाँ पे मैं बारी बारी से सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा और एट लास्ट आपके बुक्स वगैरह को भी बता दूंगा कुछ, जो आपने हाई कोर्ट एआरओ में एनालिसिस की थी, या सब कुछ लगभग वैसे ही होता है। पूरी डिटेल्स वीडियो में इसमें एनालिसिस किया मैंने। तो सबसे पहले मैं देख लेता हूँ आपके जॉब प्रोफाइल के बारे में, समीक्षा अधिकारी के बारे में। तो जो सबसे पहली चीज़ लोगों के दिमाग में आती है वो उनका होता है ग्रेड पे, सैलरी को लेकर। ठीक है, तो मैं आपको बता दूँ कि ये एक 4800 ग्रेड पे की नौकरी है। ठीक है, एक राजपत्रित अधिकारी गेस्टेड ऑफिसर का जो होता है पोस्ट, वो ये होती है। लेकिन इसमें एक चीज़ होती है कि ये ग्रुप बी की नौकरी होती है। ठीक है, इसको आपको ये ध्यान रखना है। लेकिन बहुत ही पावरफुल जॉब होती है, बिना डिस्क्रिप्टिव और इंटरव्यू के एक बेहतर अधिकारी बनने का सबसे बेहतर मौका आपको समीक्षा अधिकारी के थ्रू मिलता है। आगे डिस्कस कर लेते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आती है लोगों को सैलरी के लेके, तो मैं आपको बता दूं कि जैसे आपका 7th पे बैंड लगा हुआ है, 7वां वेतन आयोग लगा हुआ है, तब से ये नौकरी, ये जो जॉब होती है आपके लेवल 8 में आती है। बेसिक इनकम जो होता है, देखिए फ्रेंड्स ये सारी एनालिसिस मैं अपने परिचित या एक दो सीनियर्स हैं जो ऑलरेडी इस टाइम पोस्टेड हैं हाईकोर्ट एआरओ में, तो अभी लखनऊ में है, जिनके मेरे से बातचीत हुई, मैंने पूरी डिटेल्स उनसे निकाली है। और बीच में मुझे जैसे ही मौका मिलेगा उनसे एक लाइव वीडियो, लाइव पूरी स्ट्रेटेजी डिस्कस करूँगा आप सभी के साथ में। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट फॉर दैट। तो लेकिन जो भी एनालिसिस है सब कुछ उन्हीं से मिला हुआ। तो उन्होंने ये बताया कि बेसिक इनकम जो है वो आपकी इससे स्टार्ट होती है। ठीक है, इसके थ्रू जो होती है, कई सारे आपको ढेर सारे अलाउंसेस मिलते हैं, जैसे DA, TPT, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, HRA, ड्रेस अलाउंस, इनफैक्ट आपको न्यूज़पेपर तक के भी पैसे मिलते हैं। ये सब सारी चीज़ें होती है, ड्रेस में एक ब्लैक कोट जो आपको मिलता है, ये सब सारी चीज़, इन सब चीज़ों के लिए पैसे। और जो आपका एक डिडक्शन होता है, आफ्टर डिडक्शन के बाद आपकी ये इतनी सैलरी बन जाती है। फ्रेंड्स ये गैप मैंने क्यों रखा है, ये गैप आपके डिपेंड करता है, अभी वीडियो के मैं लास्ट में बताऊँगा कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पर है। ठीक है, जैसे दिल्ली में भी एट लास्ट आपकी पोस्टिंग भी हो सकती है, और इसका एक खंडपीठ आपका लखनऊ में है, तो वहां भी आपकी पोस्टिंग होती है। इलाहाबाद में स्टार्टिंग में सबसे पहले पोस्टिंग आपको इलाहाबाद में होती है, तो ये अभी मैं डिस्कस करूंगा। जी हाँ फ्रेंड्स, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट का आता है कि टाइपिंग हिंदी में होती है या इंग्लिश में, तो भाई मैं बता दूं कि इसमें टाइपिंग नहीं होती। जो भी आपको मैटर्स डाटा दिया जाएगा उसको इनपुट करना पड़ेगा, एंट्री करनी पड़ेगी, कंप्यूटर टेस्ट होता है। ठीक है, तो ये जिन्होंने अभी, मैं कुछ मैटर आपको भेज दूंगा, उसमें टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ढेर सारे मैटर बना दूंगा, और जिनकी तैयारी एक बेहतर तरीके से चल रही है वो आधे या एक घंटे का वो लेके चलें, क्योंकि इसमें टाइम नहीं मिलता आपको टाइपिंग टेस्ट का। ठीक है, तो ये पूरे 50 मार्क्स के हैं, या जैसे यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया, आप देख सकते हैं चीज़ों को। ठीक है, आगे इसमें देख लेते, मैं दिखा देता हूँ आपको प्रमोशन लेवल का। ठीक है, प्रमोशन लेवल इनका काफ़ी बड़ा है फ्रेंड्स। सबसे स्टार्टिंग होती है आपके रिव्यू ऑफिसर से, समीक्षा अधिकारी से, जो कि आपकी यहाँ से बी ग्रुप बी की होती है। फिर आपको सेक्शन ऑफिसर, जैसे जैसे आपकी पोस्ट बढ़ती है फ्रेंड्स वैसे वैसे आपके पावर्स बढ़ते हैं। इसके बाद आप क्या आते हैं, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, और यहाँ पे मैंने 1 इसलिए मेंशन किया क्योंकि यहाँ पे आने पे ये एक क्लास वन अधिकारी बन जाते हैं। फिर आता है आपका डिप्टी रजिस्ट्रार, और उसके बाद आते हैं ज्वाइंट रजिस्ट्रार। ज्वाइंट रजिस्ट्रार में फ्रेंड्स उन्हीं को मतलब वरीयता दी जाती है जिनके पास में लॉ की डिग्री होती है, अगर आपने LLB ये वगैरह किया है तो इन्हों को मिल पाता है, और ज़्यादातर लोग यहीं से रिटायर हो जाते हैं। और नहीं तो अगर आपके पास में
लॉ की डिग्री नहीं है तो डिप्टी रजिस्ट्रार तक, और इनफैक्ट उसके बाद अगर आपकी काफ़ी वो बनी होती है और सीनियरिटी होती है तो आप रजिस्ट्रार तक जा सकते हो, जो कि सबसे बड़ी पोस्ट होती है आरओ के थ्रू। ठीक है, अब इसमें आपको डिस्कस कर लेते हैं आवास वगैरह की सुविधा। तो फ्रेंड्स बहुत ही रेयरली मिलता है क्योंकि बहुत कम कॉलोनियाँ बनी हाई कोर्ट या हाई कोर्ट के लिए, तो जब तक वो चीज़ें रिक्त नहीं आ जाती इसमें आपको 2 से 3-4 साल का भी समय लग सकता है, और जब तक नहीं मिल पाता तब तक आपको एचआरए मिलता है, वो आपके लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। एट लिस्ट आपको 4500 प्लस ही मिलता है, ठीक है, 4500 प्लस या 5 से 6 हज़ार के बीच में। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। ज्वाइनिंग कहाँ कहाँ तक होती है, जैसे कि अभी मैंने स्टार्टिंग वीडियो को बता ही दिया था कि ज्वाइनिंग आपकी इन्हीं तीन जगह पूरी वो भी मतलब पूरी लाइफ में यहीं पे तीन जगह पे रहेगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी कमेंट आया था कि सर पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में मिलती है क्या, तो मैं आपको बता दूँ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में आपकी कोई ज्वाइनिंग नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ ग्रुप डी और ग्रुप सी की पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में हो सकती है, लेकिन वो भी स्टार्टिंग में नहीं होती। ठीक है, तो ये पूरी इंपॉर्टेंट चीज़ थी, और मैं साथ में साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं। फ्रेंड ढेर सारे स्टूडेंट का कमेंट ये भी आया था कि सर जो आपका UPPCS है, ठीक है, UPPCS 2019 वो भी आपका एग्ज़ाम मतलब दिसंबर में होने वाला है, और इसकी भी जो डेट होगी आपको जो एट लास्ट जैसे कि आप जानते हैं फी पेड करने की 22 तारीख डेट है, तो आपको नवंबर में ही इनका एग्ज़ाम देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नवंबर, अगर नवंबर नहीं हुआ तो दिसंबर के पहले वीक में डेफिनेटली। तो फ्रेंड्स हम सर की दोनों तैयारी को एक साथ कैसे करें, तो मैं आपको फ्रेंड्स बता दूं सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश का डिफरेंट है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन का डिफरेंट हो सकता है, लेकिन मैं इंग्लिश का डिफरेंट यहाँ पर लेके चल रहा हूँ, केवल इंग्लिश का डिफरेंट है जो दोनों में डिफरेंट है, अदरवाइज आपकी पूरी तैयारी सेम होने वाली है। और क्वेश्चन का लेवल अगर आपने हाई कोर्ट एआरओ वगैरह दिया होगा तो आप सारी चीज़ें जानते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ और भी मैं बता दूं फ्रेंड्स आपको। फ्रेंड्स अगर आप एक बेहतर तैयारी करना चाहते हैं आपके UPPCS के लिए ISPCS के लिए, तो ये उत्तर प्रदेश PCS 2019 के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट किया गया कंपटीशन वर्ल्ड के थ्रू, इनकी पत्रिका वगैरह भी काफ़ी चलती है, सुपर सक्सेस ISPCS का इनका PDF क्रैश कोर्स है जो हैंड रिटन पूरी सामग्री होती है, यहाँ पे पूरी डिटेल दे रखी है, आप चीज़ों को देख सकते हैं। प्रत्येक दिन 3 से 4 PDF भेजी जाएंगे आपको, प्रत्येक PDF में 100 बुलेट पॉइंट होंगे, सारे मतलब आपके टॉपिक को कवर किया जाएगा, ढेर सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। रजिस्ट्रेशन का 8 अक्टूबर से ही प्रारंभ हो चुका है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखने को ये मिल रही है फ्रेंड्स कि यहाँ पे जो क्रैश कोर्स है आपको 249 करंट अफेयर्स 49 और टेस्ट सीरीज इतने में है, और इसको जो कॉम्बो पैक तीनों एक साथ खरीदते हैं तो 499 में। फ्रेंड्स इस गिवन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, सारी डिटेल्स ले सकते हैं, और वहाँ पर अगर आप रेफरेंस दे दो हमारे चैनल का तो आपको एक डेमो टेस्ट मिल जाता है सारी चीज़। और अगर फॉर मोर डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दोनों नंबर दे दूंगा, तो आप वहाँ से कॉल करके सारी चीज़ें एनालिसिस कर सकते हैं। तो एक और इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं वीडियो के लास्ट में डिस्कस करना चाहता हूँ यहाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है ढेर सारे स्टूडेंट का कमेंट्स आ रहा था कि जैसे कि कुछ चीज़ें तो मैंने ढेर सारी डिस्कस की जब आपका ये एप्लीकेशन आया था तभी, तो इसमें जो आपकी CCC वगैरह है ये लोग वैलिड है कि नहीं, ये डेफिनेटली वैलिड है फ्रेंड्स, और जितने भी कंप्यूटर मान्यता प्राप्त वो हैं वो सारी चीज़ें वैलिड है, CCC या उसके ऊपर ADCA वगैरह, कंप्यूटर साइंस से आपने BTEC वगैरह किया है तो कुछ भी है तो वो आपकी वैलिड है। दूसरी चीज़ ये है कि बुक्स वगैरह के बारे में काफ़ी सारे लोगों का मैसेज आ रहा था, तो फ्रेंड्स अगर आपने हाई कोर्ट ARO की तैयारी की है तो सेम वही पैटर्न होता है, सारी चीज़ें वही होती है, आपको पूरी तैयारी उसी के अनुसार करनी है। ठीक है, और अगर एक दो बुक का रेफरेंस चाहते हो तो आप पृथ्वीनाथ पांडे की आप ले सकते हो, हिंदी की जो काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, और आदित्य पब्लिकेशन की आती है अगर आपके पास में टाइम नहीं, आदित्य पब्लिकेशन की एक पतली सी बुक आती है तो वो आप जल्दी से कर सकते हो, उसमें काफ़ी चीज़ें शॉर्ट में दे रखी हैं और इम्पोर्टेंट चीज़ें दे रखी हैं। ठीक है, कंप्यूटर के लिए आप मेरे पूरे क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, कंप्यूटर के काफ़ी सारे वीडियो मैंने दी है, और डेली बेसिस पे मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में सारी चीज़ें भेजता रहता हूँ, अगर आपको कहीं से भी वो मटेरियल मिल जाता है कंप्यूटर के बेहतर, ठीक है, तो वहाँ से वो सारी चीज़ें कर सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें ये है फ्रेंड कि आप एक प्रैक्टिस से ज़रूर ले लीजिएगा, प्रैक्टिस सेट आपको पूरी ख़त्म करनी है एकदम बेहतर तरीके से, और सारे एनालिसिस करके करनी है। अगर आपके आपका अभी भी कोई कमेंट बॉक्स मतलब हाई कोर्ट ARO से लेके कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता दीजिएगा। मैं यहाँ पे फ्रेंड्स अब एट लास्ट डिस्कस कर लेता हूँ TubeWell ऑपरेटर के बारे में, जैसा कि मैंने बताया था कि एक दो मिनट इनके लिए भी देना होगा।
तो फ्रेंड्स आपसे 9 से 11 के बीच में डीवी ख़त्म हो चुकी है। ढेर सारे स्टूडेंट का मैसेज आया था कि सर जैसा कि आपने बताया था सेम प्रोसेस सारी चीज़ें वहाँ पे वही हुई थी, और अभी भी जिस स्टूडेंट के डीवी वगैरह में प्रॉब्लम हुआ, चाहे वो सर्टिफिकेट की प्रॉब्लम में हुई थी, हालांकि बहुत ही कम, क्योंकि मेरी बात वहाँ पे कर्मचारियों से हुई तो उन्होंने बताया कि बहुत ही कम स्टूडेंट्स का ऐसा प्रॉब्लम है, तो उनको भी लगभग 10 दिन का टाइम दे दिया गया। दैट्स मीन आप मान सकते हो फ्रेंड 20 तारीख तक उनको जमा करने का टाइम दे दिया गया है, और 20 तारीख के बाद किसी भी दिन आपका रिजल्ट आ सकता है, जो आपका फाइनल रिजल्ट होगा, मतलब जितने बच्चों 3210 बच्चों का जिनका चयन होना था उनका फाइनल रिजल्ट आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि दीपावली के पहले से आ जाए और आपकी दीपावली अच्छे से मने। फ्रेंड्स अभी भी कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।